GoKickO, GoKickO, let's go, let's go. कैसे हैं आप लोग? कैसा लगा कीको? कैसा लगा गाना? क्या बात है, चलो Ronajoy, could you please come on stage for the photo op as well? ये बच्चों लोगों के लिए ताली मार रहे हैं रे, इतना बढ़िया डांस किया इन्होंने, ये बात. Thank you kids, thank you Badshah. Thank you, thank Kiko. You. Thank you, Kiko, thank you so much. Kiko, go, Kiko. Kiko. Thank you, kids. Aayi, Kiko. Thank you. Let's go off stage. And y'all were amazing. Y'all were simply amazing. Yeah? Mic rakh do. Thank you guys. Thank you, Kiko. Bye bye. Come Thanks, back man. Again. Thank you. Thank you. So, Badshah, that was supreme and amazing. Thank you, man. Thank you. So, Badshah, your songs are so popular. I mean, obviously they are popular. I don't need to say that they are. But, you know, you strike a different chord with kids. Kids tend to like your song a lot. So, do you have a secret recipe that you tend to put in your songs or things like that that get kids going? नहीं, मुझे लगता है जब मैं छोटा होता था तब जब मैं खिलौने वगैरह लेने जाता था या कोई गाने सुनता था तो मुझे लगता था कि अगर इस खिलौने की कंपनी का मालिक मेरे को बना दे तो मैं कितने अच्छे अच्छे खिलौने बनाऊंगा ना. तो मैं अभी भी वही बच्चा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वही चीज़ें बनाता हूँ जो मेरे को अच्छी लगती हैं. तो आई थिंक दैट इज़ वाई आई यू नो एक कनेक्शन है मेरा किड्स के साथ. So ये जब हम लोग ने गाना बनाया हमको हमने जब आपको अप्रोच किया बिकॉज वी न्यू दैट यू वर सो ग्रेट विद किड्स एंड ऑल सो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस दैट वेंट इनटू क्रिएटिंग अ सॉन्ग लाइक दिस. मैं सच में बहुत एक्साइटेड था बिकॉज कीको एक ऐसा सुपर हीरो है जो आई थिंक हर बाहर का तो मुझे पता नहीं लेकिन इंडिया का हर बच्चा बनना चाहता है. बहुत स्मार्ट है, स्वैग है, एक गाड़ी है बहुत सही सी और घड़ी है बहुत सही और उसमें से गाड़ी निकलती है. तो आई थिंक ये मेरे भी शौक हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड था. तो और मतलब मेरे लिए आई थिंक बहुत इजी हो गया था कीको के कैरेक्टर में आना और उसके लिए गाना लिखना. एंड जो मेरे स्किल्स हैं फिर राइटिंग स्किल्स हैं जो म्यूजिक स्किल्स हैं मैंने वो यूज़ किए. आई मेड श्योर कि गाना सबको अच्छा लगे. तो मेरे घर में बड़े लोग भी गा रहे हैं, मेरे सोनी के ऑफिस में भी सारे लोग गा रहे हैं क्योंकि आई थिंक इट्स अ वेरी ईजी सॉन्ग, सबको याद हो जाता है ईजिली. एंड आई थिंक दैट्स द की बच्चों के लिए गाना बनाते हुए. Right, right. So the song is amazing. I love it too. Also, I also had this thought in my mind कि कीको के पास जैसे गैजेट से कोई हमारे लिए बना दे तो कितना कूल हो जाए. नहीं सीरियसली जैसे गाड़ी, जैसे वॉच. वो नहीं हो सकता शायद इसलिए हम लोग इतना एंजॉय करते हैं कीको को देखना. वो यू नो वो जो जो कुड हैव बीन जो चीज है वो आई थिंक दैट इज व्हाट एक्साइट्स अस अबाउट कीको एंड उसकी गाड़ी सुपर स्पीडो. So one thing that I want to share with you all is this, कि जब भी बादशाह शूट पे आए थे और हमने जो शूट किया था तब बादशाह जब बच्चों के साथ आ गए शूट करने के लिए तब एक अलग एनर्जी हो गई थी आपकी. हाँ मैम. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए शूट का एक्सपीरियंस? बड़े लोगों के साथ तो रहते हैं बट बच्चों के साथ एक अलग मजा आता है यू नो. उनका नजरिया चीज़ों को देखने का, ये मैंने ये पहना हुआ था तो कहते ये पॉटी कलर क्यों पहना हुआ है, आप कोई ढंग के कपड़े क्यों नहीं पहनते. मैं मुझे फैशन लग रहा था, उनको कुछ और लग रहा था. तो एक वो नज़रिया बड़ा मज़ेदार होता है. तो बहुत ही एक मतलब आप रेगुलर चीज़ से हट के जब किसी चीज़ में बैठते हो उनका परसेप्शन आई थिंक इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल जैसे वो दुनिया को देखते हैं, जैसे वो कीको के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे. इट वॉज अमेजिंग मैन, इट्स ऑलवेज अमेजिंग.
So clearly, Badshah, the kids were obviously huge Badshah fan, and they got went bonkers Badshah ke around. But Badshah was pretty much like a kid himself who was so bubbly and yeah, doing things with them and all of that. Wo thoda sa embarrassing ho gaya tha us time. So cool. So should we just? Oh yeah, I think humne, I think people at Sony ye have really worked hard in creating this video. I please ek bari dekhte hain video. Yeah, all right. और प्लीज एक बार और मेरे को बहुत सही लग रहा है एक बार और प्लीज सॉरी आई लाइक इट वाज इट गुड वाज इट ग्रेट ग्रेट कैन वी आल्सो हैव रोनजो ऑन स्टेज सो वी विल बी ओपनिंग फॉर सम क्वेश्चन एंड आंसर्स Please pass on the mics so that we can hear the questions from them. Please raise your hand if you have any questions. Otherwise, we can break. अगर आप लोगों को ये गाना तो spellbound. अगर आप लोगों को ये गाना एक और बार देखना है तो ये youtube.com/sony ये पर भी available हो गया. अभी release हो जाएगा. अभी release हो गया. We have really left them spellbound. I know, man. So it's amazing. I am very happy. So, okay. So then we break now, and we'll have lunch. Yeah. Cool. Super. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you. Can we have Kiko on stage, please? अरे बस दिल्ली में चल रहा है सब चल रहे हैं क्या करें आराम से आदू ऊपर आ आदू सर जरा वन स्टेप सबका ले रहे सब फिल्म में ये बोल पहले क्या है सही ये सब फिल्म में ये सही के बोल ले आदू आदू लास्ट में रख ये आदू लास्ट में रख लास्ट में सब फिल्म कोई रखेगा नहीं मान लो कोई रखेगा बस कोई रखेगा नहीं मान मतलब नहीं है क्या करूं मुझे दे रहे हैं बाद में दे रहे क्या बोल साइलेंस साइलेंस इधर पीछे कर रहे मेरे मेरे सारे गाने किड्स किड्स को पसंद आते हैं तो ये भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं था बट थोड़ा सा ब्रीफ था जिसके अकॉर्डिंग काम करना था चाहे वो डीजे वाले बाबू चाहे अभी तो पार्टी शुरू हुई हो चाहे कीको का गाना हो सभी बच्चों के लिए हैं बट ये थोड़ा एक ब्रीफ था कीको के कैरेक्टर के लिए तो उसके लिए काम किया अच्छा लगा बहुत अच्छा है इनकी टीम बड़ी मज़ेदार है कीको बहुत मज़ेदार है हाँ फिल्म्स आ रही हैं कीको की गाने आ रहे हैं होपफुली बट मैं चाहता हूँ बाहर जाके खेले भी थोड़ा और हमेशा मतलब टीवी ना देखे बट एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए बाहर जाके फिजिकल एक्टिविटीज़ करें और कमरे में ऐसी चीज़ें देखें जो उनकी सेंसिबिलिटीज़ को टिकल करें कितना टाइम लगा आपको गाने को मुझे
कंसेप्चुलाइज करने में 10-15 दिन लगे, उसके बाद बनाने में आई थिंक 5 दिन लगे। इस गाने में हम देखें किको की गाड़ी भी है और आप आपने भी एक न्यू रेस्टोरेंट लिया है, इसको थोड़ा सा बता सकते हैं? गाड़ी बहुत खर्चा हो गया और क्या बताऊँ मैं, हो गया अब तो ले ली। ड्रीम था, हम ये बोल सकते हैं कि हाँ यार, जिनका भी गाड़ियों का शौक है आई थिंक उनके लिए ये जो रोल्स रॉयस गाड़ी है काफ़ी आई थिंक एक अल्टीमेट कार होती है, एंड आई थिंक भगवान की ब्लेसिंग है कि मैं इस लायक हो सका कि मैंने एक गाड़ी खरीद ली। और तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, एक हैप्पी मोमेंट था। इंस्टाग्राम पे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आ गए। जो पापा चला मारुति 800 चलाते थे वही मेरी ड्रीम थी, मुझे ये था कि काश मैं गाड़ी चलानी सीख ली। बचपन की कोई याद आता हुई आपकी? बचपन की बहुत यादें ताज़ा हुई यार ये काम करते हुए, और बच्चों के साथ बैठना ही बहुत बहुत एक बहुत नया एक्सपीरियंस होता है, और मुझे मौका मिला इसमें बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का। कैसे बच्चे थे, शरारती थे या शरारती? आजकल के बच्चे बहुत शरारती, बहुत तेज़ हैं। आपकी बात करें तो आप कैसे थे बचपन में, सिंपल साधे या फिर शरारती थे? मैं तो इतना शर्माता था, मैंने तो एक बार टॉयलेट ही क्लास में कर दिया था, पूछा ही नहीं कि मैं जाऊं बाहर, सच्ची बात है ये। अच्छा बादशाह, आपके जो भी गाने आ रहे काफी फास्ट है और इस जनरेशन के गाने भी काफी फास्ट है, तो कभी आप देख पाएंगे स्लो स्लो सॉन्ग जो नहीं? आई थिंक हर किसी का अलग अलग जॉनर है, मेरा जॉनर आई थिंक ये है, तो मैं यही कोशिश है यही करूं और ज़्यादा वो ना करूं, मुझे दिख नहीं रहा। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टीवी नेक्स्ट बॉलीवुड।